नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बोलती बुक्स विद अंजलि में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल राम कथा का पार्ट 5, जिसका शीर्षक है चित्रकूट में भरत। तो आइए शुरू करते हैं। भरत केकई राज में थे अपनी ननिहाल में, अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ, लेकिन वे चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए, एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जल्दी पहुंचने के लिए। भरत को संदेश मिला, वे तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था, उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। केकईराज ने भरत को विदा किया 100 रथों और सेना के साथ। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा। सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। वे 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते थके हुए और चिंतित। भरत ने अयोध्या नगरी को दूरी से देखा, नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा था। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी हो गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया है इसे, उन्होंने पूछा। सड़कें सूनी हैं, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए, वह तुमुलनाथ कहाँ है, पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं, इतनी चुप्पी क्यों। किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए, महाराज दशरथ के प्रसाद की वो। महाराजा वहां नहीं थे। फिर वह कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थीं। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए, वहां जहां एक दिन सबको जाना है, उनका निधन हो गया है। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, पछाड़ खाकर गिर गए, विलाप करने लगे। मां कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया, कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। क्या से क्या हो गया, भरत ये मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारी में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया, उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया, भरत ने मां से पूछा। नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे, विकलता बढ़ती ही जा रही थी, वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे।
महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है 14 वर्ष के लिए। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। केकई ने भरत का मन पढ़ते हुए कहा, वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? भ्राता राम से कोई अपराध हुआ? राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी, मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती, कैकई ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राज गद्दी संभालो, अयोध्या का निष्कटंक राज अब तुम्हारा है। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। इसी बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहां से आया तुम में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं राम के पास वापस जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह गद्दी संभाले, मैं दास बनकर। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके, बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी, वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। सुधबुद्ध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े, उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी, उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया, राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है, मुझे बस एक दुख है। कैकई ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकई के व्यवहार पर ग्लानी व्यक्त की, कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका हित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूं। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे हैं। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई, कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए, भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्दत थे, भरत ने बीच बचाव किया, मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे,
खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राज काज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं। मैं ये पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही। राम तब तक गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई गई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषादराज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, कहीं राजपद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया, वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए, वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई, इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। आगे जंगल घना था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना है। अयोध्या की सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सके। राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया। भरत हम पर हमला नहीं करेंगे, कभी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा है। राम ने कहा, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य? दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे। वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते, कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगरवासियों से भी वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति ने ले ली। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया।
शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले, वे भी नहीं। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे। बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता, बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन हैं, माता है, केकई भी। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए, सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं दुखी हुई। राम ने केकई को प्रणाम किया सहज भाव से। केकई मन ही मन पछता रही थी। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया, समझाया, विनती की कि अयोध्या लौट चले। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। भरत को राजकाज समझाया, कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहां उपस्थित थे, मुनि वशिष्ठ भी। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूं, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे। वे विफल हो गए थे राम को मनाने में। आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राज काज चलाऊंगा। भरत का यह आग्रह राम ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा किया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर
भरत ने पादुका पूजन किया, कहा ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, उनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरण में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए, मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष। तो दोस्तों, यहां पर खत्म होता है हमारा 5वां पाठ और अगले शनिवार मैं आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा राम कथा का पाठ 6 लेकर के, जिसका शीर्षक है दंडक वन में 10 वर्ष। तब तक रखें अपना ख्याल। राम राम।